नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में एनपीके 0534 का प्रयोग हमें कब करना चाहिए और इसकी स्प्रे क्या हम दो बार कर सकते हैं। काफ़ी हमारे किसान भाई का सवाल है, क्या हम एनपीके 0534 का दो बार स्प्रे कर सकते हैं और इसके साथ में क्या जिंक सल्फेट या फिर कोई अन्य टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीके 0534 की कितनी बार आप स्प्रे कर सकते हैं धान की फसल में और कौन कौन सी स्टेज पे कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि इसके साथ कौन कौन से टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए और कौन से टेक्निक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और क्या इसकी सही डोज है, क्या इसकी सही तरीका है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है 7 से 8 साल का जो मैं किसानी कर रहा हूँ, वो सब हमारे किसान भाई तक पहुँच सके, वो अपनी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई की धान की फसल में एनपीके 0534 का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ायदे के बारे में। जैसे कि किसान भाई, आप सभी लोगों को पता है कि एनपीके 0534 में 0% नाइट्रोजन होता है और 52% फॉस्फोरस होता है, 34% पोटाश यानी कि पोटेशियम होता है। जो फॉस्फोरस होता है हमारी फसल के लिए, हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है, क्योंकि फॉस्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी धान की फसल गबोज अवस्था में होती है या हमारी जो टिलरिंग वगैरह होने के बाद काफ़ी हमारे किसान में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारी खादों का प्रयोग करने के बाद जो हमारी धान की फसल 40 से 50 दिन के बाद जब गबोज अवस्था में आती है, जिस समय पर गबोज अवस्था में होती है, तो उस समय पर हमारी जो बाली बनने की, काफ़ी ज़्यादा दाना बनने की जब टाइमिंग आता है, यानी कि दाना बनने की जब अवधि होती है, तो उस समय पर हमारी जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे एनर्जी का काम करती है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी का कार्य करती है। जैसे कि जो हम कोई भी खाद हमने पहले दी थी या हम जो भी खाद लगाई है, उस खाद को ऊपर पहुंचाने में, बाली तक पौधे के ऊपर पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट माइक्रो न्यूट्रॉन जो हमारी फसल में पड़े होते हैं उन न्यूट्रॉन्स को ये ऊपर पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस से हमारा जो तना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है कि जो हमारी धान की फसल बालियाँ निकलने के बाद हल्की सी भी हवा चलती तो हमारा धान एकदम गिर जाता है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है, काफ़ी हमारे किसान की फसल बर्बाद भी हो गई इस वजह से। तो ये भी कारण देखने को मिलता है, ये हमारे तने को भी मजबूत करता है और उसमें जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने में, जो माइक्रो न्यूट्रॉन्स को ऊपर बाली तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है फॉस्फोरस। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की फॉस्फोरस के साथ काफ़ी हमारे किसान भी बोलते हैं कि जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए या कोई और PGR टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉस्फोरस के साथ आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फॉस्फोरस के साथ में अगर जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में आपको उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसके साथ में किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं इस समय पर तो आप कौन से टेक्निक का प्रयोग करें, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप जो मैं टेक्निकल बताऊंगा आप इसका स्प्रे कर देते हैं अपनी धान की फसल में एनपीके 0534 के साथ में, तो आपकी धान की फसल में बहुत ही अच्छा फुटाव होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बालियाँ बनेगी और उसमें जो दाना होगा वो वजनदार होगा और चमकीला होगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आप किसान भी बात कर लेते हैं कि क्या इसकी डोज रखना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि क्या हम डोज रखें जिस वजह से हम अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकें। और एक चीज़ और डिस्कस करें कि इसका स्प्रे हम कितनी बार कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका स्प्रे हम कितनी बार कर सकते हैं एनपीके 0534 का। तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाई, इसका स्प्रे आप दो बार कर सकते हैं। अगर आप दो बार नहीं कर सकते लेकिन तो आपको एक बार अवश्य करना अपनी धान की फसल में अगर आप अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर एनपीके 0534 का प्रयोग कर दें तो आपकी जो धान की फसल है उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारी दाना एकदम चमकदार होगा और हमारा जो बाली होगी उसका साइज लंबा होगा, हमारा तना मजबूत होगा, जिस वजह से हमारा धान गिरेगा भी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार निकल करके देगा। तो आपको जब पहले बात करते हैं कि आपको पहला स्प्रे कब करना है, जब हमारी धान की फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तब आप एक स्प्रे कर सकते हैं। उस समय पर हमारी जो धान की फसल होती है, देखा होगा कि फॉस्फोरस की कमी की वजह से हमारी धान की फसल में ठीक तरीके से बढ़वा नहीं हो रही होती है, तो आप उस समय पर आप फॉस्फोरस पोटाश का यानी कि एनपीके 0534 का प्रयोग करेंगे, जिससे 45 से 50 दिन के बाद उस समय पर नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती तो फॉस्फोरस पोटाश की आवश्यकता होती है, तो आप उस समय पर कर सकते हैं। दूसरा किसान भी आपको स्प्रे जब करना है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी धान की फसल गबोज अवस्था में होती है, एक ये सही समय पीरियड होता है एनपीके 0534 का प्रयोग करने का, तो उस समय पर अगर आप एनपीके 0534 का प्रयोग कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो फॉस्फोरस होगा वो तने को मजबूत करेगा, जो भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स हमारी जमीन में पड़ेंगे वो पौधे तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा, जो इसी कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो भी सारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स हमारी ज़मीन में पड़े होते हैं, जो आपने छीटा से खाद लगाई थी, वो सारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स को ऊपर पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा।
तो आपको इन दो स्टेजेस में आपको एनपीके 0534 का प्रयोग करना। अब बात करते हैं कि इसके साथ में कौन सा टेक्निकल, कौन सा ऐसा चीज़ का प्रयोग करें, कौन सी खाद का प्रयोग करें जिससे हम और अधिक अच्छा रिजल्ट ले सकें। तो किसान भैया, एनपीके 0534 के साथ में आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। बोरोन में ऐसे पोषक तत्व होते हैं किसान भैया जो हमारी धान की फसल की काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। बोरोन में जिंक, लोहा, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं हमारी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। तो आप इसके साथ में बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें तो कि इसकी सही डोज हमें क्या रखना है, तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1 से 1.5 किलोग्राम आप एनपीके, यानी कि 1.5 किलोग्राम आपको एनपीके 0534 लेकर आना है, और उसके साथ में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम आपको बोरोन लेना है, और इसका अच्छी तरीके से 160 से 180 लीटर पानी में घोल तैयार करना है और इसका स्प्रे कर देना है। किसान भी आप इस तरीके से आप इसकी धान की फसल में स्प्रे कर देंगे तो अपनी धान की फसल से आप बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि जो बोरोन होता है हमारी धान की फसल के बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है इस स्टेज में। इस स्टेज में अगर आप बोरोन का प्रयोग कर देते हैं एनपीके के साथ, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपका दाना चमकीला होगा और वजनदार होगा, जिस वजह से आपकी जो पैदावार निकल करके आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपका दाना चमकीला वजनदार होगा तो आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी, और उसके साथ में आपको जो मार्केट में प्राइस मिलेगा वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो इस तरीके से आप एनपीके 0534 का प्रयोग करके अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।